आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस वक्त की मुख्य खबर। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का कस्बे में दो जगह जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 सालों के विकास को भाजपा बेच रही है और हमें डर है कि प्रधानमंत्री देश को ना बेच दे। कस्बे के लक्सर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने हिटलर गर्दी दिखा रखी है, कहीं कोई नई सुनवाई हो रही है। बेरोजगारी के कारण युवा डिग्रियां फाड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के दुख को मात्र कांग्रेस ही दूर कर सकती है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लोगों के सुख दुख में रात दिन लगे हुए हैं और सरकार बनने पर फिर लोगों को सब सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की पुलिंदा है, जबकि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्यार भाईचारे को भी खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के द्वारा भाजपा की सत्ता के कारनामों का चिट्ठा खोला जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन मियां नसीम एवं उनके पुत्र सैयद मुनीर द्वारा कार्यक्रम कराया गया। प्रतिज्ञा में पूर्व सांसद जफर नकवी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी, महफूज राणा, सुबोध शर्मा, गीता काकरान, बिल्किस चौधरी, डोली शर्मा, शाह आलम गौर, गुफरान काजमी, संजीव शर्मा, तोकीर अहमद, प्रवीण शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। फुरकाजी से मन्नत समाचार, शहजाद पत्रकार की रिपोर्ट। सर, कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा जो निकल रही है, प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए क्या संदेश जाना चाहती है? ये देखिए, जो मजलूम हैं, गरीब हैं, इनके साथ ज्यादती की है इन्होंने, इस सरकार ने और भारत सरकार ने, तो उस ज्यादती के खिलाफ उनकी मदद के लिए प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा रखी है। और इसका ख़ास मकसद ये है कि जो कोरोना काल में लोग मरे हैं उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा, 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, जो लोग बीमार हैं उनके पैसे नहीं, 10 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे, किसानों की मांग होती है 400 रुपये कुंटल उनकी कीमत दी जाएगी गन्ने की, जो गेहूँ और धान कीमत नहीं दी है, गेहूँ आज धान लोग जला रहे हैं 2500 रुपये उनको दिए जाएंगे, लड़कियों को एक स्कूटी दी जाएगी जो बीएम चली जाएंगी, लड़कियों को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये तमाम से प्रोग्राम है जो रखे गए हैं, जिनके सरकार जिनके खिलाफ जा रही है उसकी मदद प्रियंका गांधी कर रही है।